खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। अच्छा जिगर, चलो हम भी ऑफिस चलते। पापा, वो मैं थोड़ा देर से आऊंगा। वो मैंने कल भाभी को प्रॉमिस किया था कि इनकी इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं इनकी मदद करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। गोपी को जितना वक्त की जरूरत है तुम जरूर देना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोकिला, मुझे भी कुछ काम है तो मैं जरा जाके आता हूँ। राशि, तो फिर आज के दोपहर का खाना और रसोड़ी की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी ताकि गोपी वह कल की तैयारी कर सके। समझी गई? हाँ हाँ काकी जी, क्यों नहीं। वैसे भी कुछ दिनों से ये सारे काम मैं ही तो कर रही हूँ, और अगर अपनी बहन के लिए मुझे थोड़े काम ज्यादा भी करने पड़े तो भी कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। लेकिन राशि, तुमने एक बात अपनी बहन से नहीं सीखी है। मेरी गोपी वह जब काम करती है तो ये बिल्कुल नहीं जताती है कि वो किसके लिए कब और कैसे काम कर रही है। इसलिए तुम रसोड़े की जिम्मेदारी उठाओगी तो ये मत समझना कि तुम एहसान कर रही हो। और ध्यान रहे, कोई गड़बड़ ना हो। नहीं काकी जी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगी। चलें कोकिला। जी मोटा भाभी। देवर जी, मैं अपनी किताबें लेके आती हूँ। भाभी यहाँ? अब हम लोग हॉल में चलकर पढ़ते हैं और मैं सबको बोल दूंगा कि कोई हमें परेशान नहीं करे। देवर जी यहीं पढ़ते हैं ना? वो यहाँ पे पढ़ने से मुझ में और हिम्मत आएगी। कान्हा जी के पास? हाँ ठीक है, तो मैं किताबें लेके आती हूँ। भाभी किताबों की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही सोच लिया है कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है। एक तो इस घर में फ्रिज भी नहीं, कम से कम कूलर तो है। उसके सामने रख दूंगी तो ये चीजें ठंडी तो रहेंगे। अब गिंजर दिख रहा? आप तो शू छे? वही स्नैक्स, जूस, चिप्स और चीनी वगैरह, और बाकी सब मैं खाना बनाने का सामान लेकर आई। लेकिन जल्दी करा, अगर यही शाक तू अपने राजपाल नगर के बाजार से लेती तो तुझे वो 10 रुपए कम में भी देता। वही मैंने आपको कहा है ना कि टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ मेरा हेडेक है, अब यानी कि मेरा सिर दर्द। और वैसे भी उसमें और इसमें काफी फर्क है। मैं तो यहाँ पानी पीने आई थी, ये सब देख के तो मेरी प्यासी मर गई। हाँ
बधु शू छे दीकरा? ये कैसा वरसाण है? पहले तो कभी नहीं देखा। भाई, वो फरसान नहीं है, और वैसे भी उसे पका कर खाते हैं और उसे पास्ता कहते हैं। पास्ता हो या फास्ता, मैंने तुझे कहा था सब कुछ 1000 में करना है। भाई, मुझे पता है कि कहाँ खर्चा करना है और कहाँ नहीं। और मैंने तुझे घी लाने को कहा था ना? भाई, घी बटर वगैरह पे जो हम पैसा खर्च करते हैं ना, उसकी अब कोई जरूरत नहीं। हाँ? अब शू? हाँ भाई, वैसे भी मैं हेल्दी यानी कि पौष्टिक खाने में ही यकीन करती हूँ। ये सारी फैट्स वाली चीजें नहीं, जैसे कि घी बटर। राशि, ठीक 12:30 बजे खाना तैयार हो जाना चाहिए, और ताजा ताजा खाना टिफिन में भर के ऑफिस भी भिजवा देना। अने हाँ, सब्जी में मसाला डालना मत भूलना, अच्छी तरह से मसाले डालना। नहीं नहीं काकी जी, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी। देखिए, मैंने ये सारे मसाले निकाल के भी रख दिए, वो लौंग, धनिया, अजवाइन, दालचीनी। बस, मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। खाना अच्छा बनना चाहिए, जो कोई चमत्कार नहीं है, समझी? तुम्हें भले ऐसा लगता हो। कोकिला, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं नजर रखूंगी। सारू मोटा भाभी। हाँ, वो महीने भर के किराने का वो पर्चा मैंने लिख कर रखा है, तो मैं लेकर आती हूँ। राशि को दे दूंगी, वो सामान मंगवा लेगी। तुम लिस्ट बनाओ, तब तक मैं भंडार घर में नजर डाल लेती हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो लिस्ट में जोड़ देंगे। जी मोटा भाभी। अच्छा भाभी, बताइए कि हमारे घर में कौन कौन रहता है? घर में पापा जी, माँ जी, काका जी, काकी जी, राशि बेन, देवर जी और अहम जी और मैं। वैसे तो गुजरात में बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हुआ, लेकिन ऐसे महापुरुष के बारे में बताइए जिन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। गांधी जी। बहुत अच्छा, लेकिन भाभी ये सामान्य ज्ञान है, इसके उत्तर को आप जितनी खूबसूरती और अच्छे से कहेंगी प्रभाव उतना ही अच्छा पड़ेगा। तो कहिए, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद करमचंद गांधी जी। भाभी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, अब भाभी सब कुछ ठीक है, बस आपके अक्षर ज्ञान को सुधारना होगा। अक्षर ज्ञान? लेकिन देवर जी, मैं तो सिर्फ वो अ ही पहचान सकती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी सब कुछ एक ही दिन में थोड़ी सीखना है, आज के दिन हम कम से कम एक पहाड़ा सीख सकते हैं। राशि, राजमा के लिए तुम जो मसाला बना रही हो ना, उसे चलाती रहना, वरना कुकर के तले में चिपक जाएगा। राशि, यह है किराने के सामान का पर्चा। खिमजी भाई किराने वाले की दुकान पे फोन करके ये सामान लिखवा देना, और हाँ, शाम तक ये सारा सामान आ जाना चाहिए। और ये भी बात का ध्यान रखना कि दुकान के जो वो लड़के हैं वो ऑर्डर के बारे में भूल जाया करते हैं, इसलिए उन्हें 1-2 बार फोन करके याद दिला देना, समझी गई? और हाँ, मणि की मदद लेकर स्त्री के जो भी कपड़े देने हैं वो अलग से रखवा देना, नहीं तो पिछली बार याद है ना क्या हुआ था, अहम के कोट के साथ वो उसके रात के पहनने के कुर्ते और पजामे वो भी चले गए थे स्त्री में, इसलिए ध्यान रहे। नहीं नहीं काकी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस बार एकदम अच्छे से कर दूंगी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम ध्यान देना। तुम्हें याद नहीं है पिछली बार तुमने क्या किया था? तुमने स्त्री के कपड़े में पलंग की सारी चद्दरें भी दे दी थी, इसलिए इस बार ध्यान रहे।
राशि देखो बेटा, मैंने ये सब्जी काट दी है, राजमा हो जाए उसके बाद सब्जी बना लेना। और यहाँ ये पर्चा मुझे दे दो, मैं वो भंडारघर में चीजें देख लेती हूँ और मणि को भी भिजवा देती हूँ कपड़ों के साथ। तुम जरा इस्त्री के कपड़े देख लेना। गॉड, बहुत हो गया, अब कोई नया काम फिर से मेरे सिर पे ना आ जाए।